नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे आसानी तूफान को लेकर और इसका असर जो है बिहार के किन जिलों में पड़ने वाला है। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से चिलचिलाती गर्मी ने दस्तक दी है, यानी कि अब जो है उससे राहत मिलने की बात कही जा रही है और लू चलने लगी है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस कारण से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, यानी कि हवा का जो बहाव है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की बात कही गई है। वहीं राजस्थान के उत्तरी हिस्से, दिल्ली, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान धूलभरी आंधी चलने की भी बात कही गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार के ज़्यादातर जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इन जिलों में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, वैशाली, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, सारण, सिवान, गोपालगंज। वहीं दक्षिण मध्य बिहार की अगर हम बात कर लें तो इसमें पटना, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने की बात कही गई है। साथ ही साथ इन इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। इस दौरान यह भी कहा गया है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। प्रदेश में पिछले दिनों भी बारिश जैसे हालात थे, जिसके बाद से बारिश को लेकर एक बार फिर से जो है अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश के कई जिलों में बारिश जो है हमें पिछले दिनों भी देखने को मिली थी। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया गया है कि आसार तूफान आज उड़ीसा में टकरा सकता है। बताया जा रहा है कि इस तूफान की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की बात कही गई है। इस तूफान को लेकर यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, झारखंड और उत्तर पूर्व के राज्यों में तेज हवा के साथ बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। बता दें कि श्रीलंका ने इस तूफान का नाम आसान रखा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी कहा गया है कि एक टर्फ लाइन पंजाब से लेकर पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिण असम होते हुए मणिपुर तक फैली हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस तूफान का असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि बिहार में पिछले 24 से 48 घंटे के दौरान कई इलाकों में बारिश हुई है। ऐसे में एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मानसून से पहले जारी पूर्वानुमान में पहले ही बताया था कि प्रदेश में इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने की पूरी संभावना है, जिसका असर हम अभी से देख सकते हैं। बता दें कि प्रदेश में मानसून से पहले ही हो रही बारिश आने वाले दिनों में प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना की ओर इंगित कर रहा है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र को माने तो तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बिहार के कई जिलों में बारिश होने की बात कही गई है। तो एक तरह से कह लें कि बिहार में एक बार फिर से साइक्लोन का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि पिछले 24 से 48 घंटे के दौरान ही प्रदेश में बारिश जैसे हालात थे, यानी कि बारिश हुई है प्रदेश के कई जिलों में। ऐसे में एक बार फिर से कहा जा रहा है कि तूफान का असर बिहार में देखने को मिल सकता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।